नमस्कार, मैं नीति सैन। इस वक्त हम मौजूद हैं बकोली गांव में। बकोली गांव के लोगों ने यहां पर कांवड़ियों के लिए पंडाल लगाया है। आप देख सकते हैं यहां पर दूर दूर से हरिद्वार से कांवड़िया जल लेकर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो कांवड़ रखी गई हैं ये हरिद्वार से आ चुके हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर जो कांवड़ियाँ हैं वह हरिद्वार से आ पहुँचे हैं। यहाँ पर जो खाने पीने की कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है, वहीं कुछ कांवड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। धीरज कुमार है जी। कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रही यात्रा। हमें कई साल हो गए हैं। अच्छा, बीच में कोविड की वजह से जो ब्रेक देना पड़ा था। बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से हमें ना कोई मदद लेते हैं, हम ना वो करते हैं। MCD की तरफ से या जिसकी तरफ से ये जो ना टॉयलेट वगैरह के बूथ आ जाते ये हैं। अच्छा, बाकी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से पूरा सहयोग है। रजिस्टर्ड है आपकी समिति? हाँ, रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड समितियों को तो दिल्ली सरकार जो है वैसा दे रही है। पर ना हम लेते हैं ना, हम इसमें वो करते हैं गाँव वालों की तरफ से ये सारा। तो कहाँ कहाँ के जो यात्री कांवड़ियाँ हैं वो आ जाते हैं आपके पास दिन भर में, और क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ से उनको पूरी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। सुबह चाय नाश्ते से लेके खाना पीना, रात को सोने की व्यवस्था पूरी है। उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। बाकी कांवड़ वाले जो आते हैं अपने इधर के नांगलोई तरफ के भी आ जाते हैं, और जैसे स्वरूप नगर समयपुर बादली इधर के सब के तकरीबन इधर के सारे आते हैं। अमित बोले, कब से कांवड़ ला रहे हैं और कहाँ से जल उठाते हैं? मैं माते हरी दुआ से उठाता हूँ जल, हर की पौड़ी से, और स्वरूप नगर रहता हूँ मैं। अच्छा जी, और ये छठी बार है मेरा, तीसरा जोड़ा है। कैसी व्यवस्था रही आपकी बार रास्ते में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी यात्रा में कुछ कोई दिक्कत नहीं? कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया चला आपकी बार। बढ़िया। वहीं कुछ और लोग भी मौजूद हैं। नाम बताइए। बोलो, कैसी यात्रा रही आपकी? सुफल मंगल रही। वहीं कुछ और लोग भी मौजूद हैं। नाम बताइए। रवि। कैसी यात्रा रही आपकी? यात्रा बहुत बढ़िया रही हमारी। पहली बार गए थे? ना। कितने कांवड़ लेके आए? 10वीं कांवड़ है। कहाँ के रहने वाले हो? सिरसपुर गांव, दिल्ली। नाम बताइए। नाम संदीप। कैसी यात्रा रही संदीप जी? बहुत खूबसूरत यात्रा रही। तरफ से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वो हुआ, बहुत बढ़िया शिविर मिले हमें। हर जगह जहाँ गए वहाँ हमें शिविर मिले बढ़िया, सरकार की तरफ से फुल सेवा। वहीं आपको दिखा दें कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ के लोगों द्वारा की गई है। वहीं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये पंडाल लगाया, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। विनोद चौहान जी। कितने साल से ये पंडाल लगाते हुए आ रहे हैं? मैडम 8-10 साल से टेंट लगता हुआ आ रहा है, और इसका सब आयोजन सब गाँव वाले मिल करके करते हैं बच्चे, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है, ये सब हम गांव वाले ही करते हैं मिलके। दिल्ली सरकार क्या देती है? दिल्ली सरकार कुछ नहीं देती मैडम, नहीं, नहीं, ये सब हम अपनी तरफ से करते हैं मिलजुल करके सभी बच्चे। और यहाँ पे आपने देखा होगा बोलो की व्यवस्था के लिए सब कुछ उपलब्ध है, पंखे लगे हुए हैं, खाने की कोई समस्या नहीं है। सब अपने बोले नहा धोकर आराम करके यहाँ से आगे निकलते हैं। कितने कांवड़िए आ जाते हैं यहाँ पर? मैडम कांवड़िया तो यहाँ से चलते ही रहते हैं और आते जाते हैं डेली के 200-300 कांवड़िया डेली आते हैं। वहीं कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। श्याम सुंदर। कितने दिन हो गए आपके पंडाल को? तकरीबन 8-10 साल। अच्छा, कितने कांवड़िया आ जाते हैं यहाँ पर? यहाँ से चलते ही रहते हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर जितने मर्जी आए वो। हम आपको बता दें कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 8-10 साल से पंडाल लगाया जाता है। वहीं दिल्ली सरकार ने इनकी कोई भी मदद नहीं की है। बकोली गांव के लोग हैं, इनकी तरफ से ही ये पंडाल का आयोजन किया जाता है। दिल्ली से प्रतिभू जैन के साथ नीति सैन की रिपोर्ट।